क्योंकि एवं इनका परिवार हेल्स यूके में विराज रहे हैं और यूके से 10,000 रुपए की राशि बीमार गौवंश की चिकित्सा में समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें यूके की इस पावन सद्भावना के लिए। मिस प्रवीण शर्मा जी राजौरी गार्डन दिल्ली से 5,000 रुपए, आदरणीय आनंद जी कानपुर से 5,100 रुपए, सम्मानित निखिल भाई जी हैं अमरौली गुजरात से एक ट्रॉली गोग्रास यानी कि 11,000, आदरणीय रामदेवास जी महेश कुमार जी अग्रवाल जो कि जोधपुर में विराज रहे हैं और आप श्री एक ट्रॉली गोग्रास के लिए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। श्री कृष्णा आदित्य जी लखनऊ से 5,000 रुपए, सम्मानित जी एल मेहरा जी हिसार हरियाणा से 5,100 रुपए, गुप्तदान के रूप में समरूढ़ पंजाब से 5,100 रुपए की राशि समर्पित की गई। साथ ही सम्मानीय हरीश मलिक जी गुड़गांव से एक ट्रॉली गोग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं और सम्मानित सब्बीर भाई के भजन पर बहुत धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं। आप सभी दानदाता भामाशाह दानवीरों के सम्मान में आइए हम सब एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी का सम्मान करें और आप सभी से निवेदन, जो भी बांसवाड़ा की धरती पर बिराजते हुए या आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से इस पावन रसमय आनंदमय सेवामय कथा का दर्शन श्रवण कर रहे हैं, आप सभी से निवेदन बीमार गौवंश के लिए, ऐसी गौवंश जो ब्रज वृंदावन की धरती पर विश्राम करने वाली हैं और जिनकी सेवा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से की, आइए उन सभी गौ माताओं की सेवा में समर्पित अपनी सद्भावनाएं, अपनी सेवाएं, अपनी दान राशियां, सेवा राशियां आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आपके अपने गौ सेवा धाम के सेवा मोबाइल नंबर दिखाए जा रहे हैं उन पर संपर्क करते हुए आप कथा के बाद भी अपनी सत्प्रेरणा गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकते हैं। आज के पावन दिवस में यक्कल कथा के पहले जो भी पावन नाम गौ सेवा धाम तक पहुंचेंगे उन सभी नामों का सम्मान इस धर्म मंच से कल कथा के प्रारंभ में किया जाएगा। आप सबसे भी मैं निवेदन करूंगा बांसवाड़ा की धरती से या बांसवाड़ा की धरती पर विराजने वाले वो सभी भक्तजन, सभी माताएं बहने, आप भी आगे आते हुए ऐसे पावन सत्कार्य में अपनी सहभागिता निभाते हुए अपने परिवार को सेवा के वो पवित्र पावन संस्कार समर्पित करें। आप सभी जुड़े गौ सेवा से कार्यालय में संपर्क करें और अपना नाम अंकित कराएं ताकि आप सभी के नामों का उद्घोष इस धनमन से किया जा सके। आइए पुनः कथा के शेष प्रसंगों में प्रवेश करते हुए एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाते हुए बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णा जय गौ माता। आइए सभी भगवान के सुंदर विवाह मंडल में प्रवेश करें। श्री सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं। विदर्भ में एक राजा भीष्मक रहते हैं जिनकी कन्या रुक्मणी है। रुक्मणी जी बाल्यकाल में श्री नारद जी के मुख से भगवान के सुंदर चरित्रों का श्रवण पान किया और उसी क्षण उसी दिन से मन में ठान लिया कि विवाह करूंगी तो इनके साथ करूंगी। किंतु आज जब विवाह के योग्य हुई, वर तलाश किया जा रहा है, तो भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। किंतु मां रुक्मणी जी क्या करें, कैसे भगवान तक संदेश पहुंचाएं? तब एक विचार आया कि उन्हें एक पत्र लिख करके अपने गुरुदेव को दे दो। और एक पत्र मां रुक्मणी जी लिख रही हैं, पर फिर मन में विचार आया, चलो पत्र तो लिख दूं, पर पत्र लिखूं किसके नाम, इनका नाम क्या है? क्यों, बोले इनके नाम तो इतने कि गिनते गिनते थक जाओ, किस नाम से पत्र लिखूं? बड़ा सुंदर भाव है मां रुक्मणी जी कह रही। वो सांवरिया थारा जे जे। आता है ना, आप तो यही राजस्थान के तो पक्का आता हो। सांवरिया थारा जे जे। बनवारी थारा जे जे। घन नामी थारा नाम हजार, कैसे लिखूं कुकु पत्री। सांवरिया थारा नाम हजार, कैसे लिखूं कुकु पत्री। बनवारी थारा नाम हजार, कैया लिखूं कुकु।
वारी थारा नाम हजार कैया ले कुकु को पतरी वारी थारा नाम हजार कैया ले कुकु को वारी थारा नाम हजार
से भगवान को निमंत्रण पहुंचाती है, भगवान उनके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। और आज जब मां रुक्मणी का विवाह मंगल शुभ मंगल आता है, शिशुपाल बरात लेके पहुंच गया, किंतु मां रुक्मणी मन ही मन ठाकुर को पुकारती है, प्रभु को पुकारती है, भगवान उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और प्रभु रथ पर विराजमान होकर के आते हैं। और आकर के भगवान इतना सुंदर स्वरूप बनाते हैं कि सब द्वारपाल वहीं खड़े के खड़े देखते रह गए। और भगवान कृष्ण आए, मां रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और मां रुक्मणी जी को रथ में बिठा करके वहां से लेकर के हरण करके भाग गए। रुक्मणी ने पीछा किया किंतु भगवान ने उसको हरा करके वापस भेजा। द्वारिका में जाकर के भगवान कृष्ण और मां रुक्मणी जी का विधिवत विवाह होता है, सुंदर माल्या अर्पण होता है और दोनों भगवान कृष्ण और मां रुक्मणी जी के हाथ में सुंदर वरमाला प्रदान की जाती है। और सब प्रथम मां रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के गले में माल्या अर्पण करती है, तदुपरांत भगवान कृष्ण मां रुक्मणी के गले में माल्या अर्पण करते हैं। बोलिए श्री रुक्मणी वल्लभ भगवान की। सुंदर विवाह उत्सव होता है, भगवान के विवाह में सभी द्वारिका के लोग सम्मिलित होते हैं और सुंदर विवाह का आनंद लेते हैं। आइए आप हम सब भी भाव से मिलकर के प्रेम से गाते हुए भगवान को, आज दुल्हा हमारे ठाकुर जी बने हैं तो सुंदर स्वरूप का दर्शन करेंगे। दोनों आज बड़े सुंदर स्वरूप में सज करके आए हैं तो सभी उसका दर्शन भाव करते हुए, नृत्य करते हुए, गाते हुए प्रेम से भगवान के विवाह में नाचते हैं। हो जोड़ी का जवाब नहीं, 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 हो आज दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं, हो आज दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल वो जोड़ी का जवाब नहीं, ओ जोड़ी का जवाब नहीं, ओ जोड़ी का जवाब नहीं, ओ जोड़ी का जवाब नहीं, ओ
ऐसे नहीं, ठाकुर जी का विवाह है इसलिए पंडाल में कोई भी आदमी चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। सभी भाव से अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के प्रभु के विवाह में प्रेम से आनंद लेते हुए जाते। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी। अरे 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 सांवरे है नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं। अरे सांवरे है नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने जोड़ी का जवाब नहीं। हाथ उठा के सभी प्रेम से ताली बजाते हैं। जोड़ी का जवाब नहीं।
आइए, अभी थके तो नहीं, थक गए तो विश्राम करें, बैटरी है अभी। एक भजन और सभी गाएंगे प्रेम से, भगवान के विवाह उत्सव में आनंद लेंगे, उसके बाद आप हम सब आरती की तरह अग्रसर होंगे। मारुकमणि जी क्या कह रहे हैं, हो मेरी लगी शाम संग प्रीत। अरे वाह, आप सबको तो आता है पहले से। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। वो मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मी, ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। ओ मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मी, ये दुनिया क्या जाने। सभी लोग दोनों हाथ उठा के प्रेम से, ये दुनिया क्या जाने। I'm not afraid।
सभी से निवेदन, कृपया शांति बनाए। आइए हम सभी षष्ठ दिवस की पावन कथा के बाद आरती की ओर चलेंगे। आरती के लिए सम्मानीय कथा के आयोजक श्री मदन मोहन जी गुप्ता साहब से निवेदन, गुप्ता परिवार मंच पर पधारेंगे और शीघ्रता से कतारबद्धता के साथ खड़े हो जाएं ताकि हम सभी आरती की ओर बढ़ेंगे। सम्माननीय वीरेंद्र दोषी जी, सम्माननीय श्यामा दोषी जी से निवेदन, मंच के सामने जो आरती दीर्घा है वहां से आप आरती में सम्मिलित होंगे। सभी मंच के सामने आकर कतारबद्धता के साथ खड़े हो जाएंगे। सम्माननीय अनिल जी सराफ, सम्माननीय दिलीप जी सराफ, सम्माननीय चंपक लाल जी, जिन भक्तों के नाम उद्घोष हो रहे हैं कृपया शीघ्रता से मंच के सामने जो आरती दीर्घा है वहां पर आकर खड़े हो जाएं और कतारबद्धता के साथ खड़े होते हुए आरती में सम्मिलित होंगे। सम्माननीय मदन मोहन जी गुप्ता परिवार से निवेदन, शीघ्रता से मंच पर आएंगे। सम्माननीय वीरेंद्र दोषी जी, सम्माननीय श्यामा दोषी जी, सम्माननीय अनिल जी सराफ साहब, सम्माननीय दिलीप जी सराफ, सम्माननीय चंपक लाल जी मोडा साहब, शीघ्रता से मंच के सामने आकर आरती दीर्घा में खड़े हो जाएंगे और आरती में सम्मिलित होंगे। आप सभी से निवेदन, जो भी भक्तजन कथा पंडाल में उपस्थित हैं सभी अपने स्थान पर खड़े होकर अपने मन में अपने हृदय में बांके बिहारी जी का ध्यान करते हुए सुमरण करते हुए आरती का दर्शन करेंगे। मैं निवेदन कर दूं, सभी कृपया शांति के साथ, पीछे भी जो भक्तजन खड़े हैं अभी कोई नहीं जाएगा, सभी आरती के दर्शन करने के बाद ही प्रस्थान करें। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारे के साथ बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ओम ज्वालामालिनी नमः रत्नेश्वरी नमः सर्वोपचारार्थकं दक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम मेदगं हवेः प्रजननम् मे स्तुतशवेरगं सर्वगणगं सुस्ताये आत्मसनि व्रजाम सनि बजु सनि लोकेशन्य वयसनि अग्निः प्रजाम बहुलां मे करोत वन्दं वयोरितम् अशिमां सुधत्ता। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा करे जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सरसन करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया।